जी भाई दोस्तों, आप देख रहे हैं चिंटू भजपुरी अपडेट। मैं बता दूं कि खेसारी लाल जी का गाना का सालगिरह है। आपको पता नहीं होगा कि कोको कोला गाना आप लोग बहुत प्यार दुलार दिए हुए थे। लगभग उनका गाना 380 मिलियन क्रॉस चल चुका है। खेसारी लाल जी का गाना 2022 का जो काफी मस्त हिट सॉन्ग है और पारिवारिक गाना था, जो कोको कोला गाना लगभग हर घर में बजा हुआ था गाना, वो गाना उसी गाना का 6 अप्रैल का गाना आया हुआ था, कोको कोला गाना। और गाना को किसने लिखा और क्या म्यूजिक दिया उस पर भी बात करूंगा। तो गाना को लिखा, सबसे पहले मैं बता दूं कि प्रकाश बरूद राइटर है उस गाना को लिखने वाला, और म्यूजिक डायरेक्टर है सरवीन मल्हार, जो म्यूजिक बनाया है, जो काफी मस्त म्यूजिक है। वो हर घर में अभी भी लगन शादी ब्याह में पवन खेसारी लाल जी का गाना लगातार बजता है। वहीं बात करेंगे खेसारी लाल जी का गाना, लगभग ये गाना सुपर डुपर हिट हुआ था। और आज रात को देखिए खेसारी लाल जी केक काटते हैं कि नहीं काटते हैं, उसका भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि खेसारी लाल जरूर काटेंगे, क्योंकि लाइव का और 2022 का सबसे बड़ा बम धमाल गाना था कोको कोला गाना, जो उसका गाना का सालगिरह आज मनाएंगे, जरूर मनाएंगे, क्योंकि खेसारी लाल जी और भोजपुरी इंडस्ट्री में तब थोड़ा सैडपन चला है कंचा दुबे के लेकर, मगर तब पर भी खेसारी लाल जी गाना आज सालगिरह जरूर मनाएंगे इस गाना को, क्योंकि 2022 का सबसे बड़ा गाना हुआ था। वहीं बात करेंगे गननायक फिल्म से गाना आया हुआ था, गननायक जो काफी मस्त म्यूजिक है, उस गाना म्यूजिक से पवन सिंह का भी गाना हुआ था। खेसारी लाल जी के गाना सबसे ऊपर है उस म्यूजिक पे, जो गननायक म्यूजिक है उस पे सबसे बड़ा गाना है कोको कोला गाना, आप लोग जाकर देख सकते हैं यूट्यूब पे। तो आज के लिए